है आप सबका एक बार फिर से नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करो आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मौसम टाइम हो गया है सुबह का 5:30 और मैं खड़ी हो ली हूँ। मेरे साथ साथ यंशु भी खड़ा हो लिया है, बालक से वे सारे सो रहे हैं। अनीता है वो रोटी बनाने लाग रही है और आज दोनों बालकों का सिर धोना है, यानी कि अश्मी और दौड़ी का सिर धोना है। जाती हम थोड़ा सा पहला खड़ा हो ले, यानी कि डांगर तो है कोनी, तो फिर इतनी बखत उठ के भी के करा, तो थोड़ा बखत उठ लिया। और ई मैं पहले निकाल कहूँगी झाड़ू, झाड़ू निकालने के बाद उन्हें नुहाऊंगी, कुछ चाय पानी देखूंगी, अगर कोई पीवेगा तो बनाऊंगी। तो चलो अपना मॉर्निंग रूटीन, जो हम कैस का हमारे 6 बालका का गर्ल 6 तो नहीं कैस का, 5 कैस का, क्योंकि आज मोंटी तो 2 दिन पहले जा ली थी, आज ये दोनों है ये भी चले जाएंगे, यानी कि ये सुर दौड़ी। कल परसों फिर होली है, तो होली ने तो त्यौहार ना अपना घर रहना चाहिए ना, तो बस जा करके ये चले जाएंगे, वरना इनका मन तो नहीं कर रहा। इसके पापा की भी थोड़ी छुट्टी बच रही है, तो कोई वो लगा ले कि बालक भी नहीं सोचे कि अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करा रहा, इसका पापा भी नहीं सोचा बालक का गल करा, तो बस इनका तो जी नहीं करा, लेकिन हम इन्हें धक्का तक खंडा रहा, जाओ हम बाद में आ जाइयो। गांव में आधा ती ज्यादा काम सूरज निकलना थी पहली करने की कोशिश करया करे, और कोशिश करे तो वो काम हो भी जाया करे। तो बस मैं भी आ गई सु अपनी झाड़ू लगाने, और एक काम और, सबसे पहले उठते ही यानी कि उठना के बाद सबसे पहले जो काम करया करे वो अपने जो दरवाजा के सामने है बाहर झाड़ू लगानी रहा है, यानी कि जितना भी जो आपका एरिया है दरवाजा के सामने वो साफ करना रहा है। तो बस मैं भी आ गई सु अपनी झाड़ू लेकर और अपनी झाड़ू लगा दूंगी बाद। बाकी आपको मेरे आस कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, वो अपना काम ही करने लग रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी। चलो तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ और एक चीज़ और दिखाऊँ मैं आपको। हम गांव से बाहर रहते हैं यानी कि खेतों में रहते हैं, तो खेतों में सनराइज और सनसेट वो आसानी से आपको दिखाई दे सका है, तो एक बार आपने दिखाऊँ। पीछे थोड़ा थोड़ा लाली मासी यानी कि थोड़ा सा उजाला सा हो रहा है ऐसा, चलो क्लियर दिखाऊँ हूँ। ये देखो आपने जो सूर्य है उदय आसानी तय, सूर्य उदय होने लग रहा है, अपने लाली माँ है वो अलग से दिखाई दे रही होगी। बाकी अभी गली की लाइट वगैरह है वो भी बंद नहीं हुई है, और एक साइड सूर्य है वो भी उदय होने लग रहा है। और अनिता बना रही है और खानो यानी कि सुबह को, और रोटी बना रही है, सुबह लगा लो दोपहर लगा लो, बार बार तो बने कोनी, तो यह बना रही है रोटी। और यस खड़े हो लिया बेटा, सब बस आज इसका पेपर है इंग्लिश का, तो थोड़ा हाई अब बखत उठ का पढ़ना लग रहा है। देख लियो छोरियो मोंटी दौड़ी, यूं कहो हो कि मारो भाई पढ़ा कौन नहीं, थारो भाई थारती पहली उठ का पढ़ना लग रहे हो है, और मारो भूंगड़ो यानी कि मारो जियान यो रो मारी लाडो अश्मी एक यारी और एक जिनू कवे है यू पढ़ा कौन नहीं। दौड़ी खड़ी हो बेटी, देख भाई खड़े होकर पढ़न लाग रहे हो। अरे तो याद क्यों को नहीं, पेपर को रिवीजन तो कर रहे गो है। हाँ खड़ा हो लो, मैं 5:30 की उठ रही हूँ और देख 7:45 हो गया है ना, खड़ा हो लो भाई। ए लाडो जानो भी से बैग पैक कर लियो, इनकी जो किताब है इनका ढेर लाग रहा है, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं और सारी बुक निकाल कर रखी है, तो आज ये सारी बुक ले जाऊंगा, क्योंकि फिर ये सेट किसी और का भी काम आ जाएगा। अश्मी और दौड़ी दोनों को मैंने नहला दिया, और आज इनके बाल धोने जरूरी थे, क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे बाल धोया जाते, थोड़ा हा सिर है वो अच्छा नहीं लग रहा था। अरे गण जोत भी करनी है ये दा मोंटे को भी है क्यों है? अरे बाल का बाल
बाय 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 थोड़ी बाय बाय बाय। बालक जा लिए स्कूल में और यहीं से भी अपने गांव में चले जाएंगे, यानी कि अपने घर चले जाएंगे। बाकी घर में कोई छोड़ने वाला उनका स्टैंड पे था नहीं, मम्मी तो आपको पता ही है ही नहीं, तो बस यंशु है उसको छोड़ने जा रहा है। यस का बैग थोड़ा हैवी है तो उसका बैग लेके वो छोड़ने चला गया, और तब तक मैं जियाना नहला दूंगी, आके यंशु है वो नहा लेगा। अस्मी को तो पहले नहला दिया था, वो अपने बाल वगैरह है साफ करने लग रही है, और जियान को नहलाना जरूरी है, वो तो अपने आप भी नहाले हुए है। नहाना के बाद यो के करा करा बस पानी गेर ले, और पानी गेरा तो नहाना ना हो या करा, तो बस मैं इसने एक बार अच्छे तरीके है दो, आपने देखा भी होगा मैंने दो बार शैम्पू लगा के इसका सिर साफ कराया है, क्योंकि खेत में चला जाना है और इतनी मिट्टी है, मिट्टी में खेल लेंगे। शाम ने थोड़ा लेट हो गया था जाते, मैं नुआ नहीं पाई, क्योंकि फिर वही है कि शाम ने अगर नुआ दिया तो फिर डॉक्टर का घर करना जरूरी, डॉक्टर का घर तो फिर हो ही जाऊँ था, क्योंकि जुकाम खांसी तो होना था ही। और एक बार मैं ही बागी इस घर में, यानी कि एक बार मैं अपना बिड़कुला बिड़क लेके के बोल लग रहे न चेक करना, इसे सूख रह सकना, तकरीबन सूख ही रहा सी। बाकी ये सारी डाल है जो मम्मी ने बना के खड़ी कर रखी है, और ये भी सूख रही है बढ़िया डाल। थोड़ी सी मैं धूप मोर रख दी हूँ, फिर इन श्याम की जो धागा है उसमें पोवांगे। एक बार फिर तो दिखाऊं, धूप तो अच्छी जोर की हो रही है, यानी कि दोपहर का टाइम हो रहा है, और मेरे बिड़कले हैं वे सुखा भी दिए मैंने बाहर। बाकी आपने पत्ता वगैरह है वो दिखाई दे रहा होगा। किसी ने सही कही से घर में अगर कोई मानस ना हो सफाई करने खातर, यानी कि कितना ये मकान बना के गिर दो सफाई करनी जो होना चाहिए, तो इस घर की हमारी इतनी सफाई को नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो ये घर हमने दे रखा है किराया पे, और हमारे किराए वाले हैं वो जा रहे हैं ओली पे अपना सब घर जावे है, तो बस जा करके हम इसने छोड़ देवा, सप्ताह में एक दिन आया करा सफाई करण, तो बाकी वो करके जा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से सफाई करके जा रहे हैं। गए हैं जब सब कुछ ऐसा क्लीन करके जा रहे हैं, और ये पड़े है हमारे गेहूं, मन नहीं सा लग है इसकी बार हमने गेहूं लेने की जरूरत तक को नहीं, पिछली बार हमने थोड़े फालतू ले लिए थे। और टंकी में भी दिखाऊ तो आधी टंकी है यहां तक, तो ऊपर देख लो और नीचे देख लो, आधी टंकी है, आधी टंकी ये है, बाकी ये रख क्या है। तो अब की बार हमने गेहूं भी लेने की जरूरत को नहीं। एक बार किचन और दिखाऊं आपने, बिल्कुल ऐसा साफ बिल्कुल क्लीन करके जा रहे हैं। ये देखो आज तक हमने इतने बंदों को ये रूम है जो किराए पे दिया है, लेकिन किसी ने भी ऐसी सफाई करके नहीं दी जो अब की बार ये आके गए है ना, उन्होंने की है सफाई बिल्कुल, अपना जो भी बर्तन वगैरह है धो धा के सब कुछ ऐसा क्लीन करके जा रहे हैं।